तो आज हम कुछ और वैकेंसीज लेकर आए हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पी एफ आर डी ए में ये वैकेंसीज निकली है यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली में तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2021 तो ग्रेड ए की ये वैकेंसीज हैं आपको ये वीडियो पूरा देखना है आपको सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी तो आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज निकली है जनरल एक्चोरियल फाइनेंस एंड अकाउंट्स आई ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा रिसर्च इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में तो इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं तेरह अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं सोलह सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स फॉर फेज एंड फेज टू यानी कि दो चरण में आपके एग्जाम होंगे और ऑनलाइन होंगे और कॉल लेटर्स कब तक मिल जाएंगे आपको बाद में बता दिया जाएगा फेस वन के एग्जाम कब होंगे आपको बता दिया जाएगा सभी जानकारी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी www.pfrda.org.in तो आगे देखते हैं एक बार तो आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज निकली है पहली है जनरल की पांच वैकेंसीज निकली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कट ऑफ डेट पर 31 जुलाई 2021 को आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए जैसे कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन तो आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है जनरल की वैकेंसी के लिए बैचलर्स डिग्री इन लॉ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम आरकोगनाइज यूनिवर्सिटी अगर ये सब नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कंपनी सेक्रेटरी कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ये सब भी चलेगा उसके बाद है एक्चुरील की वैकेंसी दो वैकेंसीज है ग्रेजुएशन मांगी गई है फ्रॉम रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड पास और एग्जामेशन इन ऑल सेवन कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन तो एक्चुरीज का जो एग्जाम होता है इनके इंस्टीट्यूट द्वारा वो भी आपके पास होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स की दो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और साथ साथ आप ए भी होने चाहिए यानी कि एसोसिएट होने चाहिए आई के और फेलो भी हो सकते हैं आप आई आई के और साथ साथ आप अगर ये नहीं है तो आप कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ आप कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं चाहे ए हो या फिर जो है फेलो हो उसके बाद है आई की दो वैकेंसी है बैचलर डिग्री मांगी गई है आगे स्ट्रीम आप देख सकते हैं और मिनिमम एक्सपीरियंस भी दो साल का अनुभव मांगा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के लिए एक ही वैकेंसी है मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी में विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल ऑफ मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स थ हिंदी एज अब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉ माई रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी कुछ समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना रिसर्च के लिए अलग अलग स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स और स्टेट्स में एक एक वैकेंसी है मास्टर डिग्री मांगी गई है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री और स्टेट्स में statistics के लिए नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है सेकंड नंबर नोट आप पढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ टू स्ट्रीम्स ओनली फॉर विच क्वालिफिकेशन सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच स्ट्रीम विल हैव टू बी सबमिटेड तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे अब बात करते हैं एज लिमिट की 31 जुलाई 2021 को आपकी एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष की होनी चाहिए 31 जुलाई 2021 तक और कब बोर होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे एज रिलैक्सेशन हुई एस सी एस टी ओबीसी को जो दी जाती है अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन ऊपर बता ही दिया था ऑनलाइन एग्जाम होंगे फेज वन और फेज टू में ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम एग्जाम्स फेज टू ऑनलाइन एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑफ टू पेपर्स मार्क्स एक्जाम तो तो देखिए दोनों ही फेसिस में हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के दो क्वेश्चन पेपर होंगे और फेज थ्री में आपका इंटरव्यू होगा फेज वन में कैसे होगा पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में क्या होगा ऑल स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप होंगे इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जनरल अवेयरनेस मार्क्स आप देख लीजिए ड्यूरेशन आप देख लीजिए पेपर टू में जनरल स्ट्रीम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जैसे कि कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम तो जो भी जैसे अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स स्टेट्स है तो स्टेट रिलेटेड देर सेल भी नेगेटिव मार्किंग तो देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग होगी वन फोर मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ तो देखिए आपको इंडिविजुअली भी जो है इंग्लिश में क्वांट में रीजनिंग में जो है कट ऑफ पास करनी होगी और इसके साथ साथ एग्रीगेट में भी आपको पास करनी होगी फेज टू की बात करें तो वही आप एक बार पढ़ लेना कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर लेना यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है सर्विस कंडीशन की बात करें तो प्रोबेशन में हर जॉब प्रोबेशन पर ही होती है शुरुआत में पे स्केल की बात करें तो काफी अच्छा है ग्रेड ए की वैकेंसीज है अट्ठाईस हजार एक सौ पचास से यह रहेगी आपकी छप्पन पचपन हजार छह सौ रुपए और अगर अलग अलग वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी कितनी अलाउंस होगी पर मंथ एक्चुरी के लिए अस्सी हजार रुपये आपको मिलेंगे अगर आप फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया है और अगर आपने नीचे वाला एग्जाम भी पास किया है एक्चुरीज का तो उसके लिए पंद्रह हजार रुपये आपको दिए जाएंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आप देख सकते हैं पैंतीस आईटी के लिए पैंतीस इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स लॉ के लिए पैंतीस अगर आपने मास्टर डिग्री पीएचडी कर रखी है तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे आप देख सकते हैं कोलकाता पटना गुवाहाटी भुवनेश्वर रांची मुंबई अहमदाबाद आप सारे देख सकते हैं सभी जोन में ये एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर हो अब बात करते हैं आपको फीस कितनी देनी है जनरल कैटेगरी को ईडब्लू को और ओबीसी को कितनी देनी है 800 बाकी सभी कैटेगरी के लिए और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है अब बात करते हैं कि अगर आप इन वैकेंसीज के लिए इच्छुक हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया था डब्ल्यू पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं 16 सितंबर आखिरी तारीख है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं कुछ सिलेबस की सिलेबस फॉर पेपर टू फॉर जनरल स्टीम कॉमन सिलेबस फॉर बोथ फेसिस तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का आप देख सकते हैं वही जो ग्यारहवीं बारहवीं और ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट का भी आप देख सकते हैं फाइनांस का भी मैं थोड़ा स्लो स्लो चला देता हूं ताकि आप देख सकें अब बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की कॉमन फॉर बोथ फेसेस वही जो आईटी से रिलेटेड सिलेबस है डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एसक्यूएल क्वेरीज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि जावा सी प्लस प्लस उसके बाद है रिसर्च इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप देख सकते हैं उसके बाद है स्टेटिस्टिक्स का उसके बाद है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का तो मैंने आपको पी एफ आर डी ए में निकली वैकेंसीज के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया लेवल में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है सभी प्रकार की सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है और अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं